गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम एवेश टीचर फ्रॉम एलकेडी पब्लिक स्कूल क्लास वन। ये मेरा सेकेंड लेक्चर है। आज का टॉपिक है लिम्स। द टू आर्म एंड टू लेग्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड लिम्स। दे आर कनेक्टेड टू द ट्रंक। द शोल्डर्स कनेक्ट द आर्म टू द ट्रंक। Each arm has a elbow, a wrist and a hand. Each hand has a palm and five fingers. The fingers are called thumbs, index finger, middle finger, ring finger and little finger. We use our hands to राइट होल्ड लेफ्ट एंड प्ले। लिम्स टू आर्म एंड टू लेग्स। आर्म हम पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे। आर्म के बारे में हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में। लेग्स का हिंदी पाँव होता है। टू आर्म्स एंड टू लेग्स को ही लिम्स कहते हैं। आर्म्स में हम लोग पढ़े थे एल्बो होता है, रिस्ट होता है, फिंगर्स होता है। आर्म्स कनेक्ट शोल्डर टू ट्रंक। आर्म और ट्रंक को जोड़ता है, ठीक है। फिंगर्स पांच होते हैं, आप लोगों को पता है। इसका नाम है थंब, इसका नाम है इंडेक्स फिंगर, इसका नाम है मिडिल फिंगर, इसका नाम है रिंग फिंगर, इसका नाम है लिटिल फिंगर। यूज ऑफ हैंड। हैंड का यूज हम लोग राइट करने में करते हैं, होल्ड करने में करते हैं, लिफ्ट करने में करते हैं एंड प्ले करने में करते हैं। होल्ड का हिंदी होता है रखना और लिफ्ट का हिंदी होता है उठाना। ईच लेग हैज ए थाई, नी एंड एंकल एंड ए फुट। द थाई इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ आवर लेग्स। द प्लेस वेयर द थाई एंड द लोअर लेग मीट इज कॉल्ड द नी। The knee helps us fold our legs. Walk and run. देखो बच्चों, लेग में क्या होता है? थाई होता है, नी होता है, एंकल होता है, फुट होता है। लेग के सबसे ऊपर का पार्ट थाई होता है और थाई एंकल को और थाई को कनेक्ट नी करता है। नी क्या करता है? पैर को मोड़ने में मदद करता है, दौड़ने में और चलने में मदद करता है। द एंकल कनेक्ट आवर फुट टू द लेग्स। ए फुट हैज ए हील एंड फाइव टोज। एंकल क्या करता है? फुट और लेग को कनेक्ट करता है। फुट में हील होते हैं और फाइव टोज होते हैं। टोज का हिंदी होता है पैर का उंगली। वी स्टैंड ऑन आवर फीट कीपिंग आवर लेग्स
leg straight. This posture enable us to balance the weight of our body. We use our legs to run, jump, walk and dance. हम लोग अपने पैर पे स्ट्रेट खड़े हो रहते हैं. खड़े रहने के लिए वेट हम लोग का बैलेंस खड़े रहने के लिए हम लोग का बॉडी का बैलेंस वेट बैलेंस रहता है. इसी को हम लोग पोस्ट्यूर कहते हैं. हम लोग अपने पैर का यूज दौड़ने के लिए, कूदने के लिए, चलने के लिए और डांस के लिए करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेंस ऑर्गन्स. द आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर नोन एज सेंस ऑर्गन्स. दीज सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस सी हियर स्मेल टेस्ट एंड फील थिंग्स अराउंड अस. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन को ही सेंस ऑर्गन्स कहते हैं. आईज का काम है सीन करना, ईयर्स का काम है हियर. नोज, हियर माने सुनना होता है बच्चों. नोज का काम है स्मेल करना, टंग का काम है टेस्ट करना एंड स्किन का काम है फील करना. आईज, वी कैन सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस विथ आवर आईज. आँख से हम लोग ये दुनिया के सुंदर संसार को हम लोग चारों तरफ देखते हैं. ईयर्स, वी कैन हियर डिफरेंट साउंड्स विथ आवर ईयर. हम लोग अपने कान से बहुत तरह के आवाज़ सुनते हैं, जैसे गाड़ी का हॉर्न, आदमी चिल्लाता है, कुत्ता भौंकता है. नोज, वी कैन आइडेंटिफाई नाइस स्मेल एंड फॉल ऑड आवर विथ आवर नोज. हम लोग अपने नाक से अच्छा स्मेल और ख़राब स्मेल को पहचानते हैं. टंग, वी कैन फील डिफरेंट टेस्टीज लाइक सावर, साल्टी, बीटर एंड स्वीट विथ आवर टंग. हम लोग अपने जीभ से बहुत सारे स्वाद को पहचानते हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा. स्किन, वी कैन फील थिंग्स डैट आर हॉट एंड कोल्ड एंड सॉफ्ट, हार्ड एंड और रफ विथ आवर स्किन. हम लोग अपने स्किन से महसूस करते हैं कि गर्म है कि ठंडा है, सॉफ्ट है कि हार्ड है. फैक्ट ये आप लोग को याद करना है, द स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. स्किन हम लोग के शरीर का सबसे लंबा सेंस ऑर्गन है.